हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शुगर केन रूट बोरर के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा, हमने शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन लीफ बोरर, इनके बारे में हमने उनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी किया है। अब आज की वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है शुगर केन रूट बोरर इमेलोसेरा डिप्रेसेला, उसके बारे में पूरा का पूरा उसकी लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके करेक्टर्स क्या हैं, उसका जनरल अपीरियंस का कैसा है, और इंडिया के अंदर वो कहाँ कहाँ मेनली कौन कौन से स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम इस सिस्टमेटिक पोजिशन की बात करें, इमेलोसेरा की जो सिस्टमेटिक पोजिशंस हैं, अगर इसकी मैं बात करूं तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी। ऑर्डर में ये लेपिडोपेट्रा होता है, फैमिली पायरेलिडाई, और जीनस इमेलोसेरा हो जाएगा, स्पीसीज डिप्रेसेला हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इसकी इस सिस्टमेटिक पोजीशन है। मेनली यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल आने का बहुत कम चांसेस रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है या फिर सिस्टमेटिक पोजिशन पूछ लिया जाता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पूरे के पूरे इंडिया के अंदर है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया, बट इन इट इज़ सीरियस पेस्ट ऑफ यूपी एमपी एंड बिहार। यूपी एमपी एंड बिहार के ही सीरियस पेस्ट रहे हैं, क्योंकि गन्ने की खेती उस तरफ होती है, ज़्यादातर शुगर केन क्रॉप उस तरफ ग्रो की जाती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड मूल और बेडक, मूल और बेडक भी बोला जाता है इसको, रूट बोरर को, क्योंकि रूट के अंदर रहती हैं। मूल, मूल मतलब जड़, मूल बेडक, आम भाषा के अंदर इसको मूल बेडक बोलते हैं। फूड प्लांट अगर इसके हम देखें, होस्ट प्लांट की बात करूं मैं, फूड प्लांट होस्ट प्लांट को बोलते हैं। इट इज मेन होस्ट प्लांट कहाँ का है, शुगर केन का, बट अल्टरनेट होस्ट भी इसके कुछ देखने को मिलते हैं। आर मेज है, जैसे कि सरकंडा है, इसके कुछ अल्टरनेट होस्ट इनके ऊपर भी ये सर्वाइव कर सकता है। इन जर्नल अपीरियंस, अगर मैं इसके जर्नल अपीरियंस की बात करूं, अब जर्नल अपीरियंस के अंदर आप देखो, द मोथ इज अबाउट 15 to 25 mm लॉन्ग होती है, लेंथ होती है इसकी, एंड पेल ब्राउनिश कलर, इसका कलर थोड़ा सा येलोविश होता है, पेल ब्राउनिश कलर की होती है। इट्स हाइंड विंग, अब जो जितनी भी जर्नल अपीरियंस है इसके विंग्स के बारे में है, इसके जो हाइंड विंग्स होते हैं वाइट होते हैं, शॉर्टर होते हैं देन फोर विंग, सॉरी शॉर्टर एंड ब्रॉडर देन फोर विंग, थोड़े से शॉर्टर और चौड़े। द फोर विंग हैव अ डार्क लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप, फोर विंग के पास एक डार्क लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप देखने को मिलती है इसके हर एक विंग के ऊपर। तो ये है इसकी कुछ जर्नल अपीयरेंस। अब अगर हम इसकी हैबिट्स की बात करें, तो जो इसकी हैबिट्स है, नॉर्मली जो अडल्ट होता है वो नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब है यहाँ पे कि रात के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता है। इंसेक्ट एंड ऑल्सो ले एग ड्यूरिंग नाइट, और एग लेइंग भी किस टाइम करता है, नाइट के दौरान। द मेन डैमेज टू शुगर केन इज कॉज्ड बाय इट्स कैटरपिलर, मेन डैमेज तो कैटरपिलर ही करेगा, अडल्ट नहीं करता, इतना मेन डैमेज। नेक्स्ट, जो कैटरपिलर है वो हाइबरनेट कर जाता है ठंड में, इन विंटर, ठीक है। ठंड के अंदर कहाँ पे, रूट के अंदर ये क्या करेगा, छुप जाएगा, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट होती है रूट बोरर की, और लगभग 50 डेज के अंदर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 50 डेज की लाइफ साइकिल लेके घूम रहा है छोटा सा इंसेक्ट, और 50 डेज की लाइफ साइकिल के अंदर ही काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा देता है शुगर केन क्रॉप को, जिसको ये डेड हार्ट के अंदर कंप्लीट कर दे। सो ये एग देगा सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर, जो एग देगा फीमेल एग कहाँ पे ले करेगी, एग ऑन द ग्राउंड या फिर ऑन लीव्स, या फिर हो सकता है स्टेम के बेचेस के अंदर दे, और एज अ सिंगल एग, एक सिंगल एग की तरह होते हैं इनके एग। और एग देखो, वन फीमेल ले 230 से 285 एग ऑन एन एवरेज, एक एवरेज के अंदर 230 से 285 तक एग ले करती है एक फीमेल,
कहाँ पे हो सकते हैं? लीफ के ऊपर हो सकते हैं, बैचेज ऑफ ब्रांच के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, सिंगली भी हो सकते हैं, और इन बंच बंच बोलते हैं एक को। ऑन एन एवरेज एग्स आर क्रीमी वाइट एंड स्केल लाइक। एग जो होते हैं किस कलर के मिलते हैं हमें? क्रीमी वाइट एंड स्केल लाइक एग मिलते हैं। दूसरा इसका, इसकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है कैटरपिलर स्टेज। अब अगर हम कैटरपिलर स्टेज की बात करें तो ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है इसकी, जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है शुगर केन प्लांट को। तो कैटरपिलर स्टेज आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 4-5 to 7 days, 5 से 7 दिन के अंदर जो यंग कैटरपिलर है वो बाहर आता है, 2 mm लॉन्ग होता है, 2 mm की लेंथ होती है उसको, कम्स आउट। इट इज़ वाइट कलर्ड विद ब्राउन हेड, इसका हेड ब्राउन होता है और कलर इसका वाइट होता है। इट बोर्ड इन टू द स्टेम बिलो सोयल, सोयल के अंदर से ही स्टेम के अंदर बोर करता है, स्टेम के अंदर सुराख बना देता है, रूट के अंदर से एंटर करता है। इट पासिस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जाता रहता है, हर प्लांट को नुकसान पहुँचाता है। इट इज पेल येलो इन कलर एंड हैज कटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, पेल येलो कलर का होता है माउथ पार्ट, अगर हम इसके देखें चीविंग एंड कटिंग टाइप के होते हैं कैटरपिलर के। और इट टर्न स्टेम इनटू डेड हार्ट, स्टेम को डेड हार्ट के अंदर चेंज कर देता है, जैसा कि प्रीवियस हमने निवेला वाले के अंदर हमने पढ़ा था। निवेला में क्या था कि वो भी डेड हार्ट के अंदर जो स्टेम होता है, स्टेम बोरर या लीफ बोरर के बारे में हमने जब देखा, वो भी स्टेम को किसके अंदर चेंज कर देता था? डेड हार्ट के अंदर, मतलब स्टेम को बिल्कुल डेड बना देता था। इट पासिस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर पास करता रहता है। इट ग्रो अप टू 25-30 mm इन लेंथ, इसकी लेंथ 25-30 mm तक इंक्रीज हो जाती है, और इसकी आगे लार्वल स्टेज लास्ट फॉर 35-40 days। इसकी जो लार्वल स्टेज है कैटरपिलर की 35-40 days तक का इसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट में अगर मैं प्यूपा की बात करूँ, थर्ड स्टेज आती है इसकी प्यूपा, फर्स्ट एग, सेकंड कैटरपिलर एंड प्यूपा। अब जो प्यूपा है, कैटरपिलर प्यूपेट करता है इनसाइड अ टनल इन द रूट, रूट के अंदर ही प्यूपेट करता है ऑफ द शुगर की। द प्यूपा इज रेडिश ब्राउन इन कलर और 17-20 mm, 17-20 mm लॉन्ग एंड 4-5 mm थिक। प्यूपा 4-5 mm का थिक होता है, 17-20 mm ये लॉन्ग होता है। कुछ करेक्टर्स हैं इसके अडल्ट के, जैसे कि आफ्टर प्यूपेशन 9-14 days द अडल्ट इंसेक्ट इज इमर्ज आउट, अडल्ट इंसेक्ट आता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है अडल्ट आउट इन 1 year एंड कंप्लीट जनरेशन रिकॉर्डेड। 1 year के अंदर इसकी एक कंप्लीट जनरेशन रिकॉर्डेड होती है, जितनी भी हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग है, एग लीफ के ऊपर दिए जाते हैं, स्केल लाइक होते हैं। अब एग के बाद 5-7 days में क्या होता है, कैटरपिलर निकल के आता है सामने, जो कि एक डैमेजिंग स्टेज है। और जैसे ही कैटरपिलर बड़ा होता है, तो 5-7 days कैटरपिलर, 19 days के लिए कौन प्यूपा बाहर आता है। देन 19 days आफ्टर कैटरपिलर की, 19 days आफ्टर कंप्लीट होने के बाद प्यूपा बाहर आता है। और 5-7 days के अंदर क्या होता है, यहाँ से प्यूपेशन होती है, प्यूपेशन के बाद अडल्ट आता है और अडल्ट एग को लेइंग करता है। अडल्ट के जैसे हमने करेक्टर देखे थे, जो फोर विंग होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और हाइंड विंग होते हैं वो लार्जर एंड ब्रॉड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक करेक्टर्स इसके दिखाए गए हैं, जैसे कि इसका माउथ देखो कितना तीखा है, और माउथ इसका चीविंग टाइप का है, ठीक है, नीडल लाइक माउथ है, चीविंग टाइप का। और ऐसा ही माउथ इसके कैटरपिलर का देखने को मिलता है। कैटरपिलर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है इस क्रॉप को। ये कैसे डैमेज करते हैं क्रॉप के अंदर और किस तरीके से स्टेम के अंदर बोर करते हैं, मेन डैमेज कोजिंग स्टेज कौन सी है? सबसे पहले अगर हम देखें, द मेन डैमेज कोजिंग स्टेज ऑफ कैटर इज कैटरपिलर, इसकी सबसे मेन डैमेज कोजिंग स्टेज कैटरपिलर ही है। जो कैटरपिलर है वो फीड करता है स्टेम बिलो द सोयल, सोयल के अंदर से स्टेम के अंदर एंटर हो जाता है। मेन अटैक ऑन यंग स्टेम एंड रूट, मेन अटैक होता है छोटे छोटे जो शुगर केन होते हैं उनके ऊपर। ग्रोन अप इन शुगर केन एंड फॉर्म अ सर्कुलर टनल, उसके अंदर एक सर्कुलर टनल बना देता है। सो यंग प्लांट्स डाई एंड ओल्ड वन ड्राई अप, यंग प्लांट्स डाई हो जाते हैं, ओल्ड वन ड्राई अप हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज डेड हार्ट। इट कोज 10% रिडक्शन इन ईल्ड, ईल्ड का 10% रिडक्शन कर देता है।
रेटून आर मेनली डेस्ट्रॉयड। जो रेटून क्रॉप होती हैं वो तो डेस्ट्रॉयड हो जाती हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है, सोयल के अंदर पाया जाता है। सो कंट्रोल इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो रेटून शुड बी अवॉइड। रेटून क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो प्रीवियस क्रॉप के वेस्ट से ग्रो की जाएँ, उनको रेटून क्रॉप्स बोलते हैं। द इन्फेक्टेड शूट शुड बी रिमूव्ड एंड डेस्ट्रॉयड। अगर कोई शूट आपको इन्फेक्टेड दिख रहा है उसको रिमूव कर दो और डेस्ट्रॉय कर दो या जला दो। रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ शुगर कैन शुड बी ग्रोन। रेजिस्टेंट वेराइटी ही जो हो उनको ही ग्रो किया जाए, जो इस मौत को आसपास आने ना दे। मौत शुड बी पिक्ड बाय लाइट ट्रैप। मौत को लाइट ट्रैप के द्वारा भी पिक किया जा सकता है, क्योंकि नाइट टाइम में ही एक्टिव रहती है, इसलिए इनको नॉक्टर्नल बोला था हमने। BHC डस्ट शुड बी अप्लाइड 8 kg पर एकर। BHC डस्ट को अप्लाई कर सकते हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए, या फिर टू किल एग्स एल्ड्रीन 10 kg पर एकर मिक्स इन सोइल। सोइल के अंदर पर एकर में एल्ड्रीन को 10 kg पर एकर मिक्स किया जा सकता है सोइल के अंदर, जिससे इनके एग्स हैं वो किल हो सकते हैं। तो ये इसके कंट्रोल के और डैमेज के कुछ कारण थे जिसके कारण ये डैमेज करता है, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इमेलोसेरा डिप्रेसेला। इमेलोसेरा के बारे में वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के एंड में जरूर बताएं।